बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन ने सरकार को चुनौती दी है। कुंवर प्रणव चैंपियन ने कैबिनेट मंत्री बनाने के लिए बनाया दबाव और अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के मंच से सरकार को चुनौती दी। मंत्री नहीं बनाए जाने पर सरकार को अंजाम भुगतने की भी चुनौती दी है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुरू से लेकर अंत तक मौजूद रहे कुंवर प्रणव चैंपियन और कुंवर प्रणव चैंपियन काबिल हैं लेकिन उनको स्थान नहीं दिया जा रहा ऐसा समर्थक कह रहे हैं और ये गुर्जर महासभा की मांग है। ये कुंवर प्रणव चैंपियन का कहना है ओबीसी समाज से अगर मंत्री बनाया जाएगा तो फायदा होगा। गुर्जर महासभा के पदाधिकारियों के बेलगाम होने पर चैंपियन ने नहीं टोका। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी सुरेंद्र डसीला अधिक जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं उनके पास चलेंगे। सुरेंद्र, कुंवर प्रणव चैंपियन मंत्री बनने को इतने आतुर नजर आ रहे हैं कि अब वो सरकार के खिलाफ भी बोलने से चूकते नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए बिल्कुल अगर देखा जाए तो कुंवर प्रणव चैंपियन कहीं ना कहीं पूरे मामले में भले ही ये कहते नजर आए कि ये गुर्जर महासभा की डिमांड है, गुर्जर महासभा के लोग ये चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि खुद मंच साझा करते हुए वो नजर आए और सीधे तौर पे जब ये कहा जा रहा था कि सरकार उनको मंत्री नहीं बनाती है तो इसका अंजाम भाजपा को और सरकार को भुगतना होगा, तो उसमें भी वो बाकायदा मौजूद रहे, किसी को उन्होंने नहीं रोका। और खुद जब बयान देते नजर आए तो उन्होंने कहा कि ओबीसी समाज गुर्जर समाज में से मंत्री अब बनाया जाना चाहिए, यानी सीधे तौर पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए हॉल बुक करते हैं, अपने नाम से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो मंच पर नजर आते हैं, तो सीधे तौर पे अब सवाल उठने लाजमी है कि भाजपा खुद को पार्टी विद द डिफरेंस और अनुशासन वाली पार्टी कहती है और उसी के विधायक इस तरह से अब मंत्री बनाए जाने को लेकर सरकार को धमकी दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जरूर देखना होगा कि क्या संगठन और सरकार के स्तर पर कोई कार्रवाई होती है या फिर चैंपियन हर बार की तरह इस बार भी अपने बयान से बच जाएंगे। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया सुरेंद्र।